मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मापिंड चौक जलंधर में संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आए हुए भक्त जनों से विधिवत ढंग से पूजन करवाकर हवन यज्ञ में आहुतियां जलवाई गई। इस अवसर पर सिद्ध मां बगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने मधुर भजनों का गुणगान किया और बताया कि जो नित्य ध्यान करते हैं, माला करते हैं, वो ही भगवान के करीब हो सकते हैं। जिस प्रकार शशि के बिना बारिश सूनी है, ठीक उसी प्रकार हृदय में मानवता का ज्ञान होना आवश्यक है, वरना अच्छे ज्ञान के बिना आपका हृदय सूना है। इस अवसर पर श्री कंठ जज श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, मनमोहन भट्टी, पूनम प्रभाकर, दिशांत शर्मा, समीर चोपड़ा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, निर्मल शर्मा, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, नवीन जी, जोगिंदर सिंह, लवली शर्मा, मनीष शर्मा, सुखा अमनदीप, समीर कपूर, अभिलक्ष चुग, सौरभ अरोड़ा, सरोज बाला सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। बगलामुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय। मां बगलामुखी जी, आज मां बगलामुखी दे सिद्ध धाम, मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी, जो कि पंजाब का पहला माता बगलामुखी जी का मंदिर है, इस सिद्ध धाम दे विच अज जिहड़ा अलौकिक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिस बहुत ही दूरों दूरों खाली पंजाब नहीं, दिल्लियों, हरियाणे तो, हिमाचल तो आई हुई संगत ने, कश्मीर तो, जे एंड के तो आई हुई संगत ने भी महामाई के दरबार से पहुँच के हवन यज्ञ आहुतियां डालियां और माँ दे कोलों अपने लिए, अपने परिवार लिए, समाज लिए जिहड़ा सुख शांति की कामना की है और माँ के दरबार तो ये झोलियां भर के अरदास बेनतियां कीतियां कि जगदंबा साढ़े ते कृपा करे, आशीर्वाद दे, घर परिवार सुख शांति दे और शरीरक रोगता दे। मैं इस दे नाल ही दसना चाहना कि अज मां बगलामुखी जयंती जिहड़ा एक विशाल मेला हर साल की तरह इस साल भी 16 मई दिन वीरवार को लगाया जा रहा। उस दिन करबद्ध प्रार्थना है सारे मां भगतों को ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, 16 ਮਈ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜਯੰਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿੱਧ ਮੰਦਰ, ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ।